श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद्भागवत सप्ताह है भक्ति ज्ञान में, क्योंकि इस पावन पवित्र प्रथम दिवस की पावन कथा की बेला में भारत भूमि की दिव्य भूमि, भारत की राजधानी क्षेत्रांतर्गत प्रशांत विहार में बैठ करके हम सभी लोग श्री कृष्ण स्वामी सेवा समिति के तत्वावधान में प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी हम सभी लोग अगर बाल सेवा सदन में बैठ करके जिनके अमृतमय वाणी के द्वारा कथा को श्रवण करेंगे, भागवत मर्मज्ञ आचार्य पंडित बाला वेंकटेश शास्त्री जी महाराज के अमृतमय वाग्धारा से हम सभी लोग श्रवण करेंगे, उससे पूर्व आइए हम सभी लोग भागवत जी के सेवा पूजन में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को सभी लोग पुण्य का भागी बनाए। श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यानार्थे पुष्पम निवेदयामि। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले बेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि निवेदयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूपणे नमो नमः। फुल्लेन्दे परकांति मिंदु वदनम बरहापतं सप्रियं श्रीपत सांक मुदार कौस्तु बदरं पीतांबरं सुंदरं गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुं गो गोप संगावृतं गोविंदम कलवेणुवादन परम दिव्यांग भूषम भजे। पुष्पाणि पुष्माल्यं परिधापयामि प्रार्थनां निवेदयामि। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात
पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रार्थना पूर्वकं निवेदयामि श्री कृष्ण वाङ्मय स्वरूपणे नमो नमः प्रणमामि नमस्करोमि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासनंदनाय नमो नमः श्री सुखदेवाय नमो नमः परमहंसाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे ध्यानार्थे पुष्पं निवेदयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। वृंदादेव्या पूजनम् श्रीशते लक्ष्मी शबदनाभोरात्रे पार्श्वेन छत्राणि रूपतनो व्यातम् मायिष्ण निखाणा मुम्मयि खाणा सर्वलोका मयि खाण। वृंदादेव्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधं विलेपयामि गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि। व्यास विष्णु स्वरूप पूजनम ध्यानम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहोदपरो हरिः अभाललोचन शंभुर्भगवान् बादरायणः। व्यासाय नमो नमः विष्णु स्वरूपणे नमो नमः पुष्पं निवेदयामि तिलकम् आनंदमानंदकर प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगींद्रमेड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहोदपरो हरिः अभाललोचन शंभुर्भगवान् बादरायणः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविंद्र योगींद्र मथास्य शिष्यम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय नमो नमः विष्णु स्वरूपने नमो नमः परम गुरुवे नमः परात्पर गुरुवे नमो नमः। पुष्पाणि पुष्माल्यां परिधापयामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयो चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पाणि पुष्माल्यां परिधापयामि द्रव्यदक्षिणां निवेदयामि प्रणमामि नमस्करोमि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत जी की मंगलमय मंत्र आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे। हरि ओम मां सर्वोपचारार्थे गंधादि विश्वं पूज्यो ओम देवता पादो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता तिथिया देवता मरुतो देवता विश्व देवा देवता देवेन्द्रो देवता कर्णो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेवा त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा शरण परे की लाज है तुम राख्यो जगदीश दोनों भुजा पसार के धरो चरण में शीश। बोले श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोले वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग आदर पूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो भी भक्त जहां पर खड़े होकर के सुंदर भागवत जी का सेवा पूजा
आप लोग ने बड़े ही मनोभाव से सुंदर भागवत जी का पूजन, श्री सुखदेव भगवान का पूजन, श्री वृंदा देवी तुलसी जी का पूजन, पूज्य महाराज श्री जी का पूजन अर्चन, भागवत जी की मंत्र आरती मंगलमयी आरती में सम्मिलित होकर के आप सभी लोगों ने अपने जीवन को धन्य किया। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत सप्ताह है भक्ति ज्ञान में किस पावन पवित्र त्रिवेणी में गोता लगाने के लिए अपने मन को एकाग्र करें, भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो भागवत कथा यात्रा की ओर चलने से पूर्व श्री कृष्ण रसामृत सेवा समिति के समस्त सेवकों की ओर से एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। आइए हम सभी लोग भागवत जी को नमन करें, अपने मन को भागवत जी के पावन चरणों में लगा करके पूज्य महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी लोगों को श्रीमद् भागवत के पावन महात्म की कथा को श्रवण करा करके हम सभी के जीवन को पुण्य का भागी बनाए। पूज्य महाराज श्री जी बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमोस्तु
चंद्रार्कमरोदगणे ओम नमः परमहंसा स्वाद चरण कमल चिनम करंदा भक्त जनमानस निवासाय श्री राम चंद्राय विश्व सर्ग विसर्गाय नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष्णि कान्तिः सितामृशतनिन्दितसारदेन्दुः यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतया मुनगाङ्गशङ्गम् श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्रीराधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे राधे Oh,
गोपाल राज गोविंद राज गोपाल गोविंद राज गोपाल जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 वृंदावन बिहार लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत अंता जगदीश्वर तड़ित पीतांबर वारी अकारण करुणा वर्णाले भक्तवांक्षा कल्पतरु नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजेंद्र नंदन आनंदकंद भगवान श्याम सुंदर के पावन सरसमयी परम मंगलमयी परम कल्याणमयी भगवत कथा के रसिक रसिक वृंद शक्ति स्वरूपणी देवियों
विद्वत वृंद, विप्र वृंद, संगीतज्ञ कलाकार वृंद, हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी जी की कृपा, मेरी राधे कृष्ण का फल, श्री कृष्ण रसामृत सेवा समिति के तत्वावधान में आज भगवत कथामृत रसपान करने का, चरितामृत रसपान करने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ। विगत कई वर्षों से यह क्रम चला आ रहा, ये कृष्ण की कृपा, हमारे प्रभु हमको आपको इसके लायक समझे और इस समिति में हमारे प्रभु के जो सेवक हैं श्री प्रेम जी, ईश्वर जी, मुकेश जी, हरिओम जी, संजीव, अशोक जी, पवन जी, राजेंद्र जी, रवि जी, विकास जी, छाजू राम जी, अमर जी एवं महेश जी, भगवत कथा के रसिक, कौन है और कौन नहीं है इसका पता चलता है सत्संग की भूख से। जब आपके अंदर कथा की भूख पैदा हो जाएगी तो इस कथामृत का रसपान करने के लिए हमें चाहे तपस्या करने पड़े, चाहे जो करना पड़े, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कथा की भूख कब पैदा होती है? जब आपके जीवन में प्रभु कृपा होती है। प्रभु कृपा कब होती है? जब गुरु कृपा, संत कृपा होती है तब। और जब तक हम जीवन में गुरु कृपा साध्य नहीं बनेंगे तब तक हमको आपको अपने जीवन में ना कुछ मिला है, ना मिल रहा है, ना मिलेगा। गुरु कृपा से ही हमको आपको सत्संग मिलता है, भगवान की कथा मिलती है। और इस कलिकाल में तो वैसे भी देखो, ना किसी के वश में तप करना है, ना किसी के वश में जप करना है। अब आपसे कहा जाए 8 घंटे बैठ के जप करो, संभव है क्या? नहीं कर सकते। 8 घंटे तप करो, नहीं कर सकते। क्यों? हम लोगों का ये जो शरीर है इतना जीर्णशील, इतना कमजोर हो चुका है, या ये कहें कि इतना सुकुमार हो चुका है कि न थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त हो पाती, न थोड़ी सी सर्दी हो जाए तो हाय हाय, गर्मी हो जाए तो हाय, न गर्मी बर्दाश्त कर सकते, न सर्दी बर्दाश्त कर सकते। तप के लिए कहा कायक क्लेश हो तपा, तप के मार्ग माने के लिए शरीर को महाराज कष्ट देना पड़ता है, और हम शरीर को कष्ट दे नहीं सकते और देना भी नहीं चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कई बार लोग हठ योग करते नहीं, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों? इसी शरीर के माध्यम से जो कुछ आप पा सकते हो तो पा सकते हो। तो सबसे सरल कलिकाल में है भगवान की कथा। तो आइए इस कथा में, भागवत जी की यात्रा में हम और आप चलने का प्रयास करें।
भागवत जी की यात्रा द्वारिका से बद्रिकाश्रम गई है, उद्धव जी लेकर के गए थे। जब भगवान प्रभासक क्षेत्र में विध्वंसियों का संहार किए, उसके पहले उद्धव जी के साथ बैठकर बड़ा सुंदर संवाद किए। प्रभु ने कहा अब मैं जाऊंगा। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप चले जाओगे तो कलयुग में जो आने वाले मानव हैं इनका कल्याण कैसे हो, इनका उद्धार कैसे होगा? तो बोले इनके उद्धार के लिए, इनके कल्याण के लिए भागवत की कथा में, भागवत के रूप में प्रकट हो जाता हूं। उद्धव तुम्हें मई मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरि, ये श्रीमद् भागवत है क्या? श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। अब इस यात्रा में यदि हमको आपको चलना है तो यात्रा में तो बहुत सारे लोग साथ चलते हैं। हम वृंदावन की यात्रा में भी जाते हैं तो चार छह लोग साथ रहते हैं, कहीं भी जाएं तो चार छह लोग साथ, अच्छी बात। लेकिन जब बांकी बिहारी की यात्रा में चले, भागवत जी की यात्रा में आप लोग आए हो, तो इस यात्रा में आपको ऐसे चलना चाहिए लोग आपसे मिले पर आप लोगों से न मिले। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लोग आपसे मिले लेकिन आप लोगों से नहीं मिलो तो यही यात्रा आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। कैसे? गोमुख से गंगा जी चली है, चली कि नहीं? गंगा जी का लक्ष्य क्या है? सागर की प्राप्ति। तो गोमुख से जब गंगा चली है बीच में कितनी नदियां मिली हैं? मिली कि नहीं? लेकिन गंगा किसी से मिली? उनका लक्ष्य तो सागर था। जितने लोग, जितनी नदियां गंगा में मिलती गई वो सब गंगा बन गई, लेकिन गंगा किसी के मिलने पर अपने धार को मोड़ी नहीं, अपने लक्ष्य को छोड़ी नहीं। परिणाम क्या हुआ? वो गंगा गंगा सागर बन गई। और गंगा ही नहीं, जितनी गंगा के साथ नदियां जुड़ी वो भी सब के सब सागर बन गई। तो भक्ति के मार्ग में ऐसे चलना कि आपका लक्ष्य हो कृष्ण, आपका लक्ष्य हो कृष्ण, आप कृष्ण से मिलने के लिए चलो, आपसे जितने लोग मिले उनका स्वागत है मिले, लेकिन आप उनसे नहीं मिलो, आप तो गंगा की भांत अनवरत चल पड़ो अपने लक्ष्य की ओर। सात दिन के लिए हमारे जितने भाई लोग हैं कथा में, इस समिति के यजमान है और हमारे भाई हैं, मैं चाहूंगा और उनकी देवियां बैठी हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के जिसके मन में जो कामना हो जो भावना हो प्रार्थना करके एक संकल्प कर लो। हे कृष्ण, हे कन्हैया, बस इतनी कृपा कर कि जैसे गंगा की धारा सागर का लक्ष्य लेकर के चली है, लोग कितनी नदियां आई हैं लेकिन उसकी धार नहीं मुड़ी, ऐसी कृपा कर दे कि सात दिन के लिए जीवन की धार भी आपके लिए ऐसे चले कि लोग आके मिले लेकिन मैं लोगों से ना मिलूं। एक ऐसा संकल्प लो, व्यक्ति के जीवन में बगैर संकल्प के कुछ भी नहीं होता। और आपका संकल्प दृढ़ है, यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो ध्यान रखना सफलता आपके कदमों में आएगी। गुरु कृपा तो करेगा पर संकल्प तो आपको करना पड़ेगा। गुरु पढ़ा सकता है लेकिन पढ़ना तो ऐसा नहीं हो सकता गुरु पढ़ ले,
ऐसे कोई उपाय नहीं होता क्या? विद्यालय में जो छात्र जाते हैं तो छात्र चुपचाप खाए पिए सोए और शिक्षक अपने आप पढ़ ले, ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी यदि आपके गुरुदेव चाह लेंगे तो बगैर कुछ किए आपका कल्याण कर देंगे। ये पात्रता गुरु में है, ये ताकत गुरु की, लेकिन वो गुरु की ताकत प्रकट कब होती है? पात्र को देखने के बाद। शिष्य के अंदर जो विश्वास है, श्रद्धा का पात्र है, तब गुरु वो सूत्र प्रकट करता है। एक बात बताओ, यदि ऐसा नहीं हो सकता तो परीक्षित भगवान के धाम में गए कि नहीं गए? कौन भेजा है? सुखदेव जी ने भेजा ना। क्या सात दिन में परीक्षित भगवान की गोद में जा सकते थे? संभव था? नहीं था। एक किसकी कृपा है? गुरु की कृपा है। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। बंदो गुरु पद कंज, तो हमको आपको एक बात ध्यान रखना है, आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो भी सफल हो सकते हो, पर इसके लिए फिर एक काम तो करना पड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं महाराज हम अंधविश्वासी नहीं है कि हम आंख मूंद कर विश्वास कर लें, तो वहां तो अंधविश्वास की ही आवश्यकता पड़ेगी। श्रद्धा हो जवान, श्रद्धा लगड़ी लूली भी हो और विश्वास हृष्ट पुष्ट हो, जवान हो, थोड़ा ध्यान देना। श्रद्धा लंगड़ी लूली भी हो पर विश्वास जवान हो तो फिर आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आप भवसागर से पार हो जाओगे। लेकिन हां, विश्वास तो मजबूत होना चाहिए। एक बार किसी नगर में आग लग गई, आग लगी सबके साथ भाग गए, दो बचे, एक हृष्ट पुष्ट जवान पर नेत्रहीन था और एक विकलांग देख सकता है लेकिन चल नहीं सकता। उस विकलांग ने कहा देख भाई मैं चल नहीं सकता तू देख नहीं सकता, तू एक काम कर तू मुझे बैठा ले अपने कंधे पर लेके चल पड़ तो हम दोनों बच जाएं। समझ गए कि नहीं समझ गए? था वो विकलांग और वो नेत्रहीन था, दोनों बच गए कि नहीं? तो आपके अंदर का विश्वास कैसा हो? अंधविश्वास हो। गुरुदेव ने कह दिया है, आगे कुछ सुनना ही नहीं। और जिस दिन ऐसा भाव होगा तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, गुरु सब कुछ करेंगे। तो आइए हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के माध्यम से आगे की यात्रा में लेकर के चले। अब देखना यह है कि यात्रा में आप लोगों से मिलते हो कि लोग आपसे मिलते हैं, ये आपका अपना विषय है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीगणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। वीर हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्यम्। अथ प्रथमोत्सव। किसी भी कार्य के शुभारंभ में मंगलाचरण की एक परंपरा है। मंगलाचरण का अर्थ खाली दीपक जला देना या श्लोक का गायन कर देना नहीं। मंगलाचरण का वास्तविक अर्थ है हमारे आपके जीवन के आचरण मंगलमय हो। व्यक्ति की चरण की पूजा नहीं होती, उसके आचरण की पूजा होती है। चित्र पूज्य नहीं होता है, चरित्र पूज्य हुआ करता है। चरित्र पूज्य होता है। ये शास्त्र क्या है? ये शास्त्र है दर्पण। देखो, चित्र में विकृति आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, और चरित्र में विकृति आ जाए तो उसके लिए शास्त्र रूपी दर्पण की आवश्यकता पड़ती है। तो मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण के प्रारंभ में महात्मा किसको याद किया? आइए हम आप श्लोक के माध्यम से भगवान को नमस्कार करें, याद करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतव तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। महात्मा के प्रारंभ में जब मंगलाचरण किया तो भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब मिलकर भगवान को नमस्कार करते। नमस्कार शब्द का अर्थ क्या है? नमस्कार का मतलब दीनता। देखो, हमारे अंदर जो दीनत्व का भाव है ना, यही हमको ऊपर बढ़ाता है। और हमारे अंदर जो अहंकार का भाव है, मैं का भाव है, यही हमको आपको नीचे गिराता है। परमात्मा न कभी किसी को ऊंचा बढ़ाता और न कभी किसी को नीचे गिराता। आपके अंदर दीनत्व का भाव आया तो वही क्रिया आपको ऊपर बढ़ा देगी, और आपके अंदर अहंकार आ गया तो आप जहां बैठे हो वहां से आपका नीचे पतन हो जाएगा। किसी क्रिया में परमात्मा दोषी नहीं है। और यहां जब मंगलाचरण किया, श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, तो नमस्कार शब्द का अर्थ दीनता। नमे इति अर्थात मेरा कुछ भी। अच्छा, एक बात बताइए, ये तन किसका दिया हुआ है? कृष्ण का। मन किसका बनाया हुआ दिया हुआ है? कृष्ण का। धन किसका दिया हुआ है? कृष्ण का। हमारा जब मृत्यु लोक में आए थे कुछ लेके आए थे क्या? और जब यहां से चलेंगे कुछ लेके चलेंगे? अरे बाबा, यहीं से लिया और यहीं दिया, अपना क्या है? अरे कृष्ण, तन भी आपका दिया, मन भी आपका दिया, धन भी आपका दिया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। हमारा आपका है क्या बाबा? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दुहा। किसी का है तेरा,
दास है वो धन किसी का है दूल्हा जो भी मेरे पास है धन किसी का है दिया मैं नहीं मेरा नहीं धन किसी का है दिया नमस्कार किसको कर रहे हैं? श्री कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम आप सब मिलकर नमस्कार कर रहे हैं। वो प्रभु है कैसे? सच्चिदानंद रूपाय सत चित और आनंद, सत चित और आनंद, वही है सत, वही है चित और वही आनंद। देखो भगवान को लीला करनी होती ना तो लीला करने के लिए तीन प्रकार के शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, तीन प्रकार के गुणों की आवश्यकता पड़ती है। सब कुछ एक ही है, मूल तत्व तो एक ही है, लेकिन इस सत्तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। इस सत्य को समझने के लिए बहुत प्रयास किए लेकिन भटक गए। सत्य को समझना है, जानना है तो आपको प्रकाश चाहिए। चिद मन प्रकाश चैतन्य, ये प्रकाश कहां से आएगा? आपके जीवन में एक गुरु होगा। कैसा गुरु? ज्ञानी नहीं, ज्ञानी गुरु अच्छा होता है।
ज्ञान ही नहीं है। परमहंस वृत्ति क्या होगा तो वो चला जाएगा, लौट के आएगा नहीं। हमको ऐसा गुरु चाहिए जो जाकर के लौट आए फिर मेरा कल्याण। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं, ध्यान रखना। एक अभिव्यक्ति करने वाले हैं, बोलने वाले, और एक अनुभूति करने वाले हैं। अभिव्यक्ति करने वाले और अनुभूति करने वाले, इनसे आपका कल्याण नहीं होगा। आपको ऐसा चाहिए जो इससे लौटकर आपका कल्याण कर सके। जैसे अभी आपके बात समझना ही होगी, सरल करके बताता हूं। आप लोग हनुमान जी को गुरु कहते हैं ना, हनुमान चालीसा में साथ बोलते हैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो हूं गुरुदेव के नाम। तो चलो अच्छी बात है। उनको गुरुदेव कब से कहा गया है? उनको जो गुरुदेव की पदवी मिली है, मैं वो संकेत करना चाहता हूं। जिस समय समुद्र के तट पर संपाति के माध्यम से पता चल गया सीता उस पार है, अब उसमें बहुत सारे बानर थे, तो कोई कहता मैं 10 योजन जा सकता हूं, कोई कहता है 20 योजन। अब वो कुछ तो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, मैं इतना कर सकता हूं इतना कर सकता हूं। लेकिन एक उसमें हंस वृत्ति है, बोले मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट नहीं सकता। कौन कह रहा है? अंगद। मैं जा तो सकता हूं लेकिन लौट, तो बोले फिर किस काम का? भाई हमको तो गुरु ऐसा चाहिए कि जो गोविंद के पास जाए और वहां से लौट करके आए, हमको वहां के बारे में बताए और हमको गोविंद से, ठीक है कि नहीं? अब मान लो कोई गुरु बहुत बड़ा हंस वृत्ति ज्ञानी है, सन्यासी है, वो चला गया अपने समाधि में, चला आंख मुदे बैठा बेचारा, कुछ नहीं मिला, क्या करेगा? हमको हंस वृत्ति नहीं चाहिए, हमको ऐसा गुरु चाहिए जाकर के लौट आए। कहां लौट आए? हमारे पास आए। हनुमंत लाल जी यही किए हैं, गए भी हैं लौट के आए भी हैं, वहीं से इनको गुरु कहा गया है। गुरु आपके अंदर प्रवेश भी करेगा, फिर लौट के बाहर भी आएगा। गुरु और संसारी में अंतर क्या है? दोनों में अंतर है। शरीर से तो एक जैसे हैं, शरीर से एक जैसे हैं। पांच तत्व का पुतला शिष्य है, पांच तत्व का पुतला गुरु है। फिर दोनों में अंतर क्या है? बोले दोनों में एक अंतर है। जो शिष्य है, संसारी है, अपने आप को माया के साथ जोड़ लेता है, और जब माया के साथ जोड़ता है तो उसका जीवन एक परिवार तक सीमित हो जाता है, कूप मंडूक बनकर उसी में अपने जीवन को कपा देता है, वहीं से निकला और वहीं समाप्त। लेकिन जो साधना के मार्ग में चल पड़ते हैं वो माया से नहीं जुड़ते, वो जुड़ जाते हैं परमात्मा के साथ। और जब परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो परमात्मा के साथ जुड़ने का मतलब उनका कोई एक परिवार नहीं होता, वसुधैव कुटुंबकम, सारा जगत उनका परिवार हो जाता है। वो जहां जाते हैं 7 दिन में अपनी गृहस्थी फैला लेते हैं, समेट भी लेते हैं। कथाओं में क्या होता है, 7 दिन में एक दिन तो शुरुआत में चलो जैसा तैसे, दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा लोगों को मस्ती आई, और 5-6 दिन में ऐसे भीग गया, लगा कब से मिले हुए हैं, कितने दिनों से मिले हैं। और जब विदाई का समय आया तो रोने भी। तो हम एक परिवार को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, और ये साधक पता नहीं कितने परिवारों को संतुष्ट कर लेता है। हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये पता नहीं कितने लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। यही दोनों का अंतर होता है, लेकिन सामान्य दृष्टि में तो ऐसे दिखेगा। सामान्य दृष्टि में तो आप देखोगे तो आपको, देखो भाई सीधी सी बात है, जिसकी जैसे आंख का चश्मा होगा सामने वाला उसको वैसा ही
दिखाई पड़ेगा। ये तो आपके नजर का खेल, उसको कैसे देखोगे, कैसे समझोगे, क्या करोगे, आपका विषय। तो चिद माने प्रकाश, और वो प्रकाश कहां से मिलता है? प्रकाश मिलता है गुरु कृपा से। उसके लिए गुरु कृपा चाहिए, और गुरु कृपा के लिए केवल तीन सूत्र है, भागवत की कृपा। आप कलिकाल में महाराज अपने घर में भागवत जी रखो, भागवत जी पर विश्वास करो, भागवत जी को तिलक करो और द्वादश तुलसी दल चढ़ाओ, चार परिक्रमा करके प्रणाम कर लो, एक श्लोक आधा श्लोक पाठ कर सकते हो, करो नहीं कर सकते सुन लो, आपका कल्याण हो जाएगा। कलिकाल में सबसे सरल है, लेकिन भागवत किसी के घर में है, अन्य ग्रंथों के लिए जगह है, सब खरीद लाएंगे हम, मार्केट से ऐसा सामान लाएंगे कि दो दिन के बाद उसको रद्दी टोकरी में फेंक देंगे, कोई प्रयोजन नहीं उसका, अच्छे लेके उठा लाए। तो मार्केट में गए सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन भागवत जी आज तक अच्छी नहीं लगी कि वृंदावन जाएं, बनारस जाएं, तब एक भागवत जी लेके आए कि आज से भागवत जी हमारे घर में विराजेंगी और मैं इनका दर्शन करूंगी या करूंगा। आज तक नहीं कर पाए, क्यों? उसका एक उत्तर है, आप इस बिंदु को, इस विषय को समझ ही नहीं पाए। तो परमात्मा का स्वरूप है सत, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक है, दस बीस नहीं है, चाहे जिस रूप में जो पुकारे, जिस रूप में जाने, कोई अंतर पड़ता, वही है राम, वही है कृष्ण, वही है शिव, वही है विष्णु। कई बार लोग हमारे सनातन धर्म के लिए भ्रांति फैला देते हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, किसकी पूजा करें, किसकी पूजा ना करें। तो सनातन धर्म में एक ही देवता था, एक ही है और एक ही रहेगा। अभी आपकी मर्जी है, आप सेवा करो, पूजा करो या ना करो। और भगवान की पूजा क्या, भगवान की तो सेवा करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, करते क्या है? बोले महाराज हम तो पूजा कर ही नहीं सकते, हम पूजा नहीं करेंगे, हम तो चाहते ना करो, सेवा करो। कितना समझाया लोगों को, भगवान की सेवा करना सीखो, सेवा के मार्ग में आ जाओगे तो कल्याण होगा, पूजा के मार्ग में जाओगे तो भटक जाओगे। प्रभाव को देखकर जो कार्य किया जाता है उसी क्रिया का नाम पूजा है, स्वभाव को देखकर जो कार्य किया जाता है उसी क्रिया का नाम सेवा है। हनुमंतलाल जी सेवा किए हैं राम जी की, सूर जी, कबीर जी, रहीम जी, रसखान जी, ये सब प्रभु की सेवा किए हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा दस बीस नहीं है, एक ही है। उसका बोध कब होगा? जब आपके अंदर का अंधकार दूर होगा। जब अंदर का अंधकार दूर होगा, आपको स्वयं के स्वरूप का बोध होगा, तब आनंद रस में आपका प्रवेश। और ये सच्चिदानंद भगवान जो सचित आनंद के स्वरूप करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तुम्हे, जो सारा विश्व प्रपंच है वही सृजन करता है, वही पालक है और वही संहार करता है। तिनको नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे तो क्या मिलेगा महाराज? बोले तापत्रय विनाशाय। ये ताप क्या है? तो पाप का जो फल है उसको कहते हैं ताप। पाप का फल क्या है? ताप। उस ताप से बचना है तो श्री कृष्ण को नमस्कार करना है, और नमस्कार का अर्थ दीनता। बस भगवान कृष्ण को एक बार नमस्कार कर लो, प्रणाम कर लो महाराज, तो कल्याण हो जाता है। यहां रोज मत्था टेकते हैं, रोज बच्चों से कहते हैं मत्था टेको, और मत्था टेकने के बाद बच्चे भी रो रहे हैं, मां मां भी रो रही है, बेटा कैसा मत्था टेक रहे हैं, कैसा प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करना भी तो सीखना पड़ेगा।
पहले प्रणाम करना सीखो। भगवान को प्रणाम करने का मतलब होता है श्रोताओं, छह का त्याग करके। आपके अंदर छह विकार नहीं हो और फिर एक बार प्रणाम करो, आपका कल्याण हो जाएगा। आपके पास बुद्धि बल नहीं हो, बाहुबल नहीं हो, जाति बल नहीं हो, धन बल नहीं हो, ज्ञान बल नहीं हो, रूप बल नहीं हो, जब ये छह बल त्याग कर भगवान को प्रणाम करोगे, एक बार प्रणाम करोगे, प्रभु उठाकर गले से लगा लेंगे। यह शरणागति का सूत्र। और नहीं तो ऐसे तो भटकते रहोगे, फिर तो वही होगा, दुविधा में दोगे माया मिली ना राम। बोले महाराज हम वहां से भी गए और यहां से भी, ऐसा नहीं। छह का त्याग कर। हमारे कृष्ण का एक सिद्धांत क्या कहते हैं, छल छाड़ के जो चाहता उसको, छलिया भी उसी को चाह करता, दिखलाता उसे छवि की किरणे, जिसका दिल दर्द दहा करता है। अच्छा, भगवान के नाम लेने का भी अलग अलग महत्व है। किस नाम से कौन पुकारा है, कौन याद किया है। यदि आप भगवान को गोविंद कह के पुकारो तो गाय आपके लिए सहयोगी बन जाएंगी, और कृष्ण को कहो छलिया तो दुर्योधन आपका साथी हो जाएगा। दुर्योधन हमेशा कृष्ण को छलिया कहता था, लेकिन मीरा जी का साथ चाहिए तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मैं तो गिरधर के संग राजी। मीरा के पास के साथ जाओ ना, गिरधर के पास। छोटा सा बालक डरता है कहीं जाने में, अपने से बड़ों का साथ कर ले। आप कृष्ण को पाना चाहती हो देवियों, तो आप लोगों के लिए तो सबसे सरल है मीरा। मीरा की अंगुली पकड़ लो, गिरधर की अंगुली पकड़ने की आवश्यकता नहीं आपको। क्यों, जहां मीरा जी होती मेरे गिरधर वहीं होते।